अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट वन, आईसीएस पार्ट वन, चैप्टर नंबर टू, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। किस तरह से लॉन्ग आता है, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल के साथ आज के लेक्चर में आपको पता चलने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। बड़ी डिटेल से समझाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने वेक्टर की तारीफ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, यूनिट वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर्स क्या है, नल वेक्टर क्या है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर में आता है, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या वेक्टर के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं? होते हैं तो कौन से हैं, किस तरह के हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, तो डिटेल से जानिएगा इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेक्टर कहते किसको हैं। वैसे तो डिटेल से आप लोग जानते, पूरा मेरा लेक्चर इस पर मौजूद है, वेक्टर क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। वैसे तो वेक्टर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, अदी कीमत और सिम्मत मौजूद होती है। लाइक, अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगानी है तो हमें दो चीजें पता होना जरूरी है, एक किस तरफ फोर्स लगानी है, दैट इज डायरेक्शन, और कितनी फोर्स लगानी है, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो पहले तो जान लीजिए कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है, फिर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे। कॉम्पोनेंट कहते हैं जुज को, हिस्सा, पार्ट। किसकी बात हो रही है? वेक्टर की। तो वेक्टर का हिस्सा, वेक्टर का पार्ट क्या होगा? कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है, वेक्टर का जो जुज होता है, जैसे हमारी बॉडी के ये सारे अज्जा है, बाजू, हाथ, नाक, कान, प्यारा सा आपका मुंह, फेस, तो ये सारे आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो क्या है, इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू। किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसकी इफेक्टिव वैल्यू होता है मौसर कीमत। मौसर कीमत, इससे क्या मुराद है, आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने वर्क के मुतालिक पढ़ा है 9th क्लास के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर भी, यहां फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे। वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर आपको वर्क की डेफिनेशन याद हो तो क्या था, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, जो वर्क है दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो किस तरह से ड्रॉ करते थे, ये अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है, हमने अगर वर्क कैलकुलेट करना है, तो इस फोर्स का जो इफेक्टिव इसकी वैल्यू है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होती थी, उसे हम इसका क्या कहते थे, कंपोनेंट कहते थे। वो जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही हो, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, उसका हिस्सा, उसका जूज, उसका पार्ट। सो ये है कंपोनेंट का मतलब, वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू, मौसर कीमत किसी खास डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में, जैसा कि यहां ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर की खास मौसर इफेक्टिव वैल्यू जो इसे आगे लेके जा रही है बॉडी को, जिस बॉडी पर फोर्स लग रही है, तो ये होगा कंपोनेंट। जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, तो बच्चों याद रखिए, इसकी तारीफ और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी, कंपोनेंट क्या है, ये तारीफ आएगी, तो अब ये तारीफ पुट करेंगे, एग्जांपल ये देना चाहे तो एग्जांपल दे सकते हैं। तो एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट तो कोई भी उसका हो सकता है, इफेक्टिव वैल्यू जिस तरफ उसका कोई कंपोनेंट, उसका कोई हिस्सा, उसका कोई जुज काम कर रहा हो, मौसर हो, तो कंपोनेंट तो उसके सैकड़ों हजारों हो सकते हैं।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स खास कंपोनेंट्स हैं। ये खास क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, जी हाँ, अमूदी कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जिनका आपस में जाविया एंगल 90 डिग्री का होता है। ये खास किस्म के वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं, लाइक ये आपके पास एक वेक्टर है, इसके खास कंपोनेंट्स हैं जो कि एक ये इस तरह से और एक ये इस तरह से, इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, दो परपेंडिकुलर अज्जा हैं, पार्ट्स हैं जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो। ऐसे कंपोनेंट्स को लफ्ज यहां यूज हुआ है म्यूचुअली, जिनका आपस में एंगल कितना है, जाविया कितना है 90 डिग्री, उन खास कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या फर्क है। एक वेक्टर के सैकड़ों हजारों इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तीन हैं। आपके यहां एक्स वाई प्लेन के अंदर हम दो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए डिटेल से जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, किस तरह से इन्हें किया जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। लीजिए, आपके पास एक वेक्टर है, फर्ज कर लें आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए। ये एक वेक्टर है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओ से, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निजाम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिस्टम जिसमें हमने वेक्टर को ड्रॉ किया। आप सबको पता है एक्स एक्सिस, एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, और इसमें जी एक्सिस भी आ सकता है, लेकिन हम कहां कर रहे हैं? प्लेन के अंदर कर रहे हैं, प्लेन के अंदर एक्स और वाई दो डायमेंशंस में कर रहे हैं। इस वजह से यहां हम जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे वो दो एक्सिस पर मुश्तमिल होगा, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ओरिजिन देता है, इसलिए हम इसको यूज करके पहले वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा आपके पास वेक्टर ए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? इसको सप्लिट करने जा रहा हूं, इसको तोड़ने जा रहा हूं, इसको तकसीम करने जा रहा हूं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। लेट देयर बी अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओपी, ओपी के साथ उसे रिप्रेजेंट किया गया है, ओ पर इसकी टेल, पी पर इसका हेड। कितना एंगल बना रहा है? मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से नोट किया जाता है, सो इसका एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल है? थीटा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितना भी है, इन जनरल थीटा एंगल ये बना रहा है। तो इसके क्या करना है? हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो इसका तरीका ये है, ड्रॉ प्रोजेक्शन, साया परपेंडिकुलर गिराइए, प्रोजेक्शन गिराइए, साया बनाइए, कहां से? हेड से, इसके हेड से। हेड कहां पर है? पी पोजीशन पर, पी पॉइंट पर इस वेक्टर का हेड है। यहां से एक प्रोजेक्शन गिराएं जिस प्रोजेक्शन का नाम है ओ एम, बिल्कुल सीधा स्केल के साथ, बिल्कुल सीधी लाइन एक्स एक्सिस पर लाकर गिरा दीजिए, जी हां। सो प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ओ पी ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, अब ये एक प्रोजेक्शन होगी। अब दूसरी प्रोजेक्शन, एक तो एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन आ गई, अब हम वाई एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, साया। प्रोजेक्शन का मतलब साया, जैसे आप धूप में खड़े हो तो आपका साया बनता है, ऐसे ही इस वेक्टर के दो प्रोजेक्शन हम बना रहे, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई। यहीं से पी से एक प्रोजेक्शन इसका वाई एक्सिस पर होगा, और उस प्रोजेक्शन का नाम होगा ओ एन, जी हाँ। एंड प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वेक्टर ओपी, वेक्टर का नाम ओपी है, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, वेक्टर का नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है, पी पर खत्म हो रहा है, ओपी वेक्टर का एक प्रोजेक्शन हो गया ये वाला, एम पर आके गिरा, जी हाँ, एक प्रोजेक्शन यहां एम पर आके गिरा, तो प्रोजेक्शन का नाम हो गया ओ एम, एक साया ये बन गया। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर गिराया, तो प्रोजेक्शन का नाम हो गया ओ एन। इस पूरे वेक्टर के दो साए, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, एक एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन, एक वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन बन गया। सो एंड द प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वेक्टर ओ पी ऑन वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर वन। फिगर यहां पर हम वन बना रहे। अब गौर कीजिएगा, प्रोजेक्शन ओ एम किस तरफ है?
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर ओ एम है और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर है ओ एन। प्रोजेक्शन ओ एम बीइंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो प्यारे बच्चों, हमने पीछे पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर के अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जब हमने टॉपिक पढ़ा था, तो जो वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट होगा, जुज होगा, हिस्सा होगा, जो एक्स एक्सिस पर आएगा, ओ एम जो इसका कंपोनेंट है। अब वेक्टर ए है तो कंपोनेंट एक्स होगा, एक्स एक्सिस पर होने की वजह से एक्स कंपोनेंट होगा, और सब बच्चे जानते हैं कि एक्स कंपोनेंट है तो ए के साथ एक्स आ जाएगा, ए एक्स। और सब बच्चों को पता है वेक्टर की निशानी है कि मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन होती है, और हमने पढ़ा है एक्स एक्सिस पर कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है, आई हैट। तो यहां इसके साथ क्या आएगा, आई हैट, इसका मतलब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर एक कंपोनेंट आ गया, एक्स एक्सिस की सिम्मत में कंपोनेंट आ गया ए एक्स आई हैट। यहां ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड, और आई हैट क्या है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से गौर कीजिएगा, जो एम पी है, एम पी है ये वाई एक्सिस की तरफ है, जितनी कीमत एम पी की उतनी ही कीमत ओ एन की, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है और हम जानते हैं पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं, ये एक शक्ल रेक्टेंगल बन रही है, मुस्ततील, मुस्ततील की आमनी सामनी साइड्स बराबर होती हैं। तो एम पी किसके बराबर है, ओ एन के, और ओ एम किसके बराबर है, एन पी के, नजर आ रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ओ एन जो है, ओ एन इज बेसिकली इक्वल टू एम पी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सब बच्चों को पता है वाई एक्सिस की तरफ ए वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा ए वाई बन जाएगा, वाई वाला हिस्सा, ये इसकी मैग्नीट्यूड, और ये साथ में जे हैट इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो आप सब जानते हैं वाई एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है, जे हैट, एक्स एक्सिस की तरफ आई हैट होता है, वाई एक्सिस की तरफ जे हैट, और जी एक्सिस की अगर हम बात करते तो वहां पर के हैट होना था। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये क्या है, वेक्टर की निशानी, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, किसके कंपोनेंट, ओरिजिनल वेक्टर कौन सा था, ए वेक्टर ओरिजिनल था, इसके दो कंपोनेंट मिल गए, एक एक्स एक्सिस की तरफ एक वाई एक्सिस की तरफ, कैसे बने, इसके हेड से एक बिल्कुल सीधी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर गिराई, एक सीधी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर गिराई, यहां से लेके यहां तक इसका x कंपोनेंट, यहां से लेके यहां तक इसका y कंपोनेंट, इसका नाम क्या है om, कीमत क्या है इसका a वेक्टर का, जो x कंपोनेंट वो क्या आ जाएगा axi हैट, जो y कंपोनेंट वो आ जाएगा ayj हैट। तो अगर मैं यहां हेड टू टेल रूल लगाऊं, प्यारे बच्चों ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, अगर हेड टू टेल रूल लगाया जाए तो क्या नजर आ रहा है हमें, हमें इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि ओ एम के अंदर कौन ऐड होगा, ये साइडें बराबर है तो जो कीमत इसकी वही कीमत इसकी, बता दी आपको पहले ही। तो प्यारे बच्चों ओ एम किसके बराबर होगा, सब बच्चे जानते हैं ओ एम के अंदर कौन सा वेक्टर जमा हो रहा है, हेड टू टेल रूल कहां अप्लाई हो रहा है, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल। तो आप सबको नजर आ रहा है ओ एम के ऊपर कौन आ रहा है, ओ एम के ऊपर कौन आ रहा है, मैं छोटी डायग्राम बना रहा हूं इसको इधर करके, इधर लैदा से ओ एम, ये ओ से लेके एम तक, इसके हेड पर दूसरी टेल क्या है, एम पी वेक्टर, हेड टू टेल आप लोग जानते हैं, हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को जमा करने का तरीका, ओ एम प्लस एम पी किसके बराबर आ रहा है, ये रहा रिजल्ट, और ये रिजल्ट किसके बराबर है, ओ पी के। तो यहां मुझे ये बताइए कौन सा वेक्टर, ये कौन सा है ए एक्स, ये कौन सा ए वाई, ए एक्स आई हैड, ए वाई जी हैड किसके बराबर, तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, रिजल्ट आ गया ओरिजिनल वेक्टर ओ एम। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस तस्वीर में मुझे ओ एम प्लस एम पी किसके बराबर नजर आ रहे हैं, ओ पी के। अगर इसे ठीक फॉर्म में लिखना हो, तरतीब सही करनी हो, तो ओ पी को इस तरफ लिख लो, ओ एम प्लस एम पी, अब इनकी वैल्यूज लिखिए, तो ओ एम ओ पी किसके बराबर है, ए वेक्टर, ओ एम किसके बराबर है, ए एक्स आई हैड, हाँ जी, और एम पी किसके बराबर है, ए वाई जे हैड। तो एक वेक्टर जो है, हेड टू टेल रूल से मुझे पता चल गया, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की निशानी है कि उसके साथ आई हैट है,
वाई एक्सिस की निशानी है कि उसके साथ जे हैट है। इसकी मिसाल भी दूंगा मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, अभी बात भी करते हैं इस पर। अच्छा, तो यहां इक्वेशन के अंदर ए एक्स आई हैट, ये है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इन्हीं कंपोनेंट्स को, ये जो कंपोनेंट्स ही खास है, क्यों खास है कि इनका आपस में एंगल कितना है 90, ए एक्स ए वाई जे y एक्सिस के ऊपर लेना है, ठीक है, ये भी हो सकता है लेकिन y एक्सिस के ऊपर लेना है। तो ये वाला और ये वाला इनके आपस में एंगल 90, इस वजह से इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एज दीज टू आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टू ईच अदर, सो दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, जी हाँ, ए एक्स आई हैट और ए वाई जे हैट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। मैं ऐसे मिसाल के तौर पर आपको दे देता हूं वैल्यू। ये देखिए, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है फोर्स वेक्टर। ये कैसे आई, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट खुद से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू है 2i हैट 4j हैट। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसको लिखिए, तो फोर्स किसके बराबर आएगी, 2i हैट और 4j हैट, ये है इसका मतलब। एक्स एक्सिस की तरफ वाई एक्सिस की तरफ दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करें तो ओरिजिनल फोर्स आपके पास आ जाएगी। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जमा किया तो एफ आ गया। हेड टू टेल रूल लगाकर एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जमा किया जाए तो ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल फोर्स, ओरिजिनल वेलोसिटी, ओरिजिनल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन की क्यों बातें कर रहा हूं कि ये भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए इन इनकी कीमतें मालूम करते हैं, ए एक्स एन ए वाई की वैल्यूज मालूम करते हैं। इनकी वैल्यूज से मुराद मैं इनकी क्या मालूम करने जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स मालूम करके देता हूं। अददी कीमत, इनकी कीमत क्या है जी, किस फार्मूले से, किस रिलेशन से इनकी कीमत मालूम की जाएगी। जैसे मैंने यहां कीमत लिखी 2, 4, ये कैसे आता है, ये कैसे कैलकुलेशन होती है। तो प्यारे बच्चों यहां गौर कीजिए, आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है जिसका नाम है OMP। OMP जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का है। ऐसे ही है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो वो नजर आ रही है। राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ सकती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, सब बच्चों को पता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, जी हाँ, कॉस थीटा एक रेशियो है किस किस के दरमियान, बेस ओवर हाइपोटेनस। सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनस, कायदा बटा वतर। तो प्यारे बच्चों बेस का नाम क्या है, बेस का नाम है OM, हाइपोटेनस का नाम क्या है OP। अब इनकी कीमतें लिखिए, यहां क्या चल रहा है, कॉस थीटा, तो OM की कीमत क्या है, कीमत सिर्फ कीमत लिखें तो कीमत है AX। मैंने आपको पहले ही बताया ये AX इसमें मैग्नीट्यूड है और I हैट इसमें डायरेक्शन है, तो सिर्फ कीमत लिख क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहा हूं। और OP की कीमत, कीमत लिखेंगे तो ना इसे बोल्ड करेंगे ना इसके ऊपर एरो हेड डालेंगे, कीमत लिखनी है। ये ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। ये आ गई आपके पास एक्स कंपोनेंट की कीमत, एक्स कंपोनेंट की कीमत। अगर आपने किसी वेक्टर का के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक्स कंपोनेंट मालूम करना हो तो हमेशा ऐसे करेंगे, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक वेक्टर का एक्स सिमत में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम हो जाएगा। अब वाई कंपोनेंट भी मालूम कर लेते हैं, वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, MP ओवर हाइपोटेनस क्या है OP। MP की कीमत क्या है, सब बच्चों को पता है MP बराबर है ON के, और ON की कीमत अगर मैं लूँ तो सिर्फ AY होगी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड AY ओवर, और इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू A है, मैग्नीट्यूड A है, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा
इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, ए इधर आके मल्टीप्लाई, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, इसको लिखे सीधा करके तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये है जी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जिनकी मैंने कीमतें भी मालूम कर दी, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड। अब जब भी आपने किसी वेक्टर की दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड मालूम करनी होंगी, अददी कीमतें मालूम करनी होंगी, तो एक्स एक्सिस वाली करनी होगी तो ए कॉस थीटा लेंगे, और वाई सिमत में करनी होगी तो ए साइन थीटा लेकर उसकी अददी कीमतें मालूम कर लेंगे। ये था हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स में भी होगी, इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर भी होगी। तो आपने परेशान नहीं होना कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वो मैंने आपको वैसे दिखाए तो सही, बताए तो सही, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएगी, एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स के अंदर इसके कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स आएंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आप जुड़े रहिए, सारे लेक्चर्स देखिए, इंशाल्लाह आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हुआ है यहां से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बिल्कुल इसके उलट टॉपिक है। यहां हमारे पास वेक्टर था, उसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड किए, नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और हमने वेक्टर फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।